नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। रागगिरी एक प्लेटफॉर्म है भारतीय कलाओं, भारतीय संगीत, भारतीय परंपरा के बारे में आपको जागरूक करने का, आप तक उन कलाओं के बारे में बातचीत करने का। और इस प्लेटफॉर्म पर अक्सर हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश के जाने माने कलाकारों से, जो अपनी संगीत साधना में लंबे कई कई बरसों से लगे हुए हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो विलक्षण प्रतिभा की धनी है और उनकी कला है थोड़ी अनोखी, थोड़ी अलग। तो पहले मैं बेहद विनम्रता से स्वागत करता हूं उज्ज्वला जी का, जो कि परकशनिस्ट हैं। और क्यों मैंने कहा कि उनकी कला अनोखी है, अनूठी है, वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो पहले तो स्वागत है उज्ज्वला जी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका और रागगिरी परिवार का। उज्ज्वला जी, जैसा मैंने कहा अपने रागगिरी के व्यूअर्स से कि आपकी कला थोड़ी अनोखी है, थोड़ी अनूठी है, उसकी दो बड़ी वजहें हैं और उन दोनों पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहली तो ये कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप महाराष्ट्र में इकलौती महिला परकशनिस्ट हैं, और दूसरा 45 साल की उम्र तक आपका संगीत से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था और उसके बाद ये काबिलियत, ये कला। तो इन दोनों सवालों का एक एक करके जवाब दें। आपने सही कहा, मैं महाराष्ट्र में एकमेव महिला माइनर परकशनिस्ट हूँ और मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है जब मुझे कोई इस नाम से पुकारता है। तो चलिए, अभी तो आपकी बातचीत से पता चला हमारे दर्शकों को कि क्यों मैंने कहा था अनूठी और अनोखी, लेकिन अब कुछ गीत संगीत हो जाए और जो गाने आपके सबसे ज्यादा प्रचलित हुए, जो सबसे ज्यादा वायरल हुए आज की भाषा में कहा जाए, तो एक लड़की भीगी भागी सी। कैसे, लेकिन मैं समझना चाहूंगा उज्ज्वला जी की, जो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया भी कि काफी समय तक एक लंबी मतलब जिंदगी जी लेने के बाद जीवन में संगीत आया, लेकिन जब ये संगीत आ गया और उसके बाद जब आपने उसमें एक सीरियस अटेम्प्ट करना शुरू किया, तो क्या कभी ख्वाहिश नहीं हुई, क्या कभी इच्छा नहीं हुई कि किसी से विधिवत तालीम ली जाए, सीखा जाए, या फिर जो आप करना चाहती थी उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते गए, खुद ब खुद आपको वो जो आवाज होती है, वो जो सुर कह लें या ताल कह लें, वो समझ में आने लगा? और अगर ये हुआ तो क्या आप इसको मानती हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है? परकशन इंस्ट्रूमेंट सीखने की बहुत प्रबल इच्छा के कारण मैंने सेल्फ लर्निंग प्रोसेस से ही अपना शौक पूरा किया। रिदम सेंस मेरी माँ श्रीमती श्रीलेखा कायकिणी की देन है। वे कथक नृत्यांगना थी। स्वर्गीय होमी मुल्लन जी, जिन्हें मैं होमी अंकल बुलाती थी, और श्री दीपक बोरकर जी को मैं अपना प्रेरणा स्थान मानती हूँ। बिल्कुल, और मैं यही कहना चाहता हूँ उज्ज्वला जी की बातचीत को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक बार फिर गुजारिश करूंगा
कि कोई एक ऐसा नगमा जिसमें आपके पर्कशन का जो खेल है या जो उसका उसकी जो तालमेल है, खेल और तालमेल सही शब्द मिल गया मुझे, इन दोनों का कुछ एक एक, एक सुमधुर आपको एक और प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए करें। कार्यक्रम तो आपका ऐसा भी रहा जहां आपको महान संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर जी का भी काफी स्नेह मिला, काफी आशीर्वाद मिला। वो कौन सा कार्यक्रम था, वो कैसे कार्यक्रम संभव हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दीदी और मैं ये कार्यक्रम में पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी खुद आए थे और मुझे उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। इसी तरह सुमन कल्याणपुर जी, अनुराधा पौडवाल जी, उषा मंगेशकर जी, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, पंडित जयतीर्थ मेवुंडी जी, अमित और सुमित कुमार, ऐसे नामी लोगों के साथ परफॉर्म करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अच्छा, मैंने सुना कि परकशन के अलावा आपको बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही सुरीला गला भी भगवान ने दिया है, तो क्यों ना कुछ आप गुनगुना कर सुनाए
और वो गाने जो आपके दिल के करीब हो, एक दो तीन जो भी आपको पसंद हो, थोड़ा थोड़ा ही मुखड़ा ही सही, लेकिन प्लीज आप गुनगुनाइए। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, हो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सिदास्ता, फजा भी है जवा जवा। अच्छा, ये जो परकशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर हम अपने श्रोताओं को थोड़ा सा बताना चाहें, इसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इनको परकशन क्यों कहा जाता है, इनकी जो साउंड है वो ट्रेन की साउंड हो, हवा की साउंड हो, वो आप कैसे निकालती हैं, अगर थोड़ा सा जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आप डिटेल में बताएं तो। माइनर परकशन ऐसी चीज है जो गाने को स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं, वो है बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। ये शेकर्स है, ये खंजीरी है, ये चाइना ब्लॉक है, ये मिराकस है, ये स्क्रैपर है और ये कोकोनट शेल है। अभी इसका उपयोग मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगी। अच्छा, एक जिज्ञासा आ रही है उज्ज्वला जी कि ये इंस्ट्रूमेंट्स आते कहाँ से हैं, आप कहाँ से लाती हैं, क्योंकि ये परंपरागत हारमोनियम या तबला या शहनाई या फिर या सारंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको इंस्ट्रूमेंट किसी दुकान पर मिल जाए, तो कहाँ से आते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स? पुर के बाहर या इंडिया के बाहर गए तो मैं हमेशा म्यूजिक शॉपिंग की खोज में रहती हूँ और नए नए इंडियन और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स खरीदती हूँ। क्या क्या अब इस वक्त जो ये समय है, और खास तौर पर अच्छा समय तो कतई नहीं है क्योंकि लॉकडाउन भले ही देश में खत्म हो चुका हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं हमारी रूटीन में, तो इसमें आपको ये जो आपका संगीत है ये कितना मदद करता है, कितना सहारा है, कितना बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है आपके लिए संगीत? लॉकडाउन में सीनियर सिटीजन्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैंने घर बैठे ही मेरे म्यूजिक के, कुकिंग के शौक पूरे किए और मेरा समय बहुत अच्छी तरह से गुजरा। मैंने नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कीबोर्ड और हारमोनियम के साथ परकशंस बजाए, ऑनलाइन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। इस तरह से इतने कठिन समय में भी मेरा वक्त अच्छा गुजरा। मेरा मानना है कि इस कठिन समय में ना हारते हुए अपने अंदर की कला को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा उज्ज्वला जी, इस तरह के जो कलाकार होते हैं आपकी तरह के, उनको परिवार का जो सपोर्ट होता है, हालांकि हर कलाकार के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि एक एक बहुत लंबे समय के बाद, एक अच्छी खासी उम्र जीने के बाद आपने संगीत के की तरफ कदम बढ़ाया, तो परिवार का सपोर्ट निश्चित तौर पर आपके साथ रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है, मेरा सवाल ये है कि कभी क्या परिवार में किसी तरह की कोई गैदरिंग हो या कोई फंक्शन हो तो उसमें कोई फरमाइश होती है, और अगर वो फरमाइश होती है तो फरमाइश कौन सी होती है, ये हमें बताएं और सुनाएं भी। परिवार का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरे पति श्री अजित गोकर्ण का सबसे बड़ा सपोर्ट है, उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और बहुत प्रोत्साहन दिया कि मैं बहुत आगे जाऊँ। सभी इंस्ट्रूमेंट्स लाने के लिए उन्होंने बहुत मदद की और किसी चीज़ को मना नहीं किया। मेरे बच्चे और उनके परिवार ने भी मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया और दे रहे हैं, और सभी मेरी तरक्की देखकर बहुत खुश होते हैं, और किसी भी फंक्शन में मुझे गाना गाने के लिए ज़्यादा फरमाइश होती है।
अगर कहीं बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लेकर प्रोग्राम होते हैं तो मैं जरूर परफॉर्मेंस देती हूँ। उज्ज्वला जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, कोई बात जो मुझसे रह गई हो, कोई सवाल जो मुझसे रह गया हो, कोई फरमाइश, कोई ऐसी चीज जो आप हमें सुनाना चाहती हैं मुझसे छूट गई हो, तो बेहद विनम्रता से गुजारिश करूंगा कि आप वो बजाएं और उसके बाद फिर हम आपको एक बार पुनः धन्यवाद कहेंगे। उज्ज्वला जी, जैसा मैंने कहा था, आपने हमारे लिए समय निकाला और अपनी इस अनोखी और अनूठी कला से हमारे रागगिरी के दर्शकों को परिचित कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, एक गुजारिश भी, ये रागगिरी का जो हमारा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको मिलेंगे देश विदेश में भारतीय संस्कृति की महक फैलाने वाले कलाकारों के इंटरव्यू और उसके अलावा 50 ऐसे कलाकारों के, बल्कि 50 से ज्यादा कलाकारों के प्रोफाइल्स, जिसमें आप उनके बारे में जान सकते हैं वो कहानियां, वो अनसुनी कहानियां जो आपको कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी और कम से कम इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो कहानियां हैं उनकी जिंदगी के बहुत ही दुर्लभ हिस्से से निकाली हुई, खोजी हुई। धन्यवाद।